अब सूंघ कर कोरोना का पता लगाएंगे कुत्ते। अमेरिका में कुत्तों को किया जा रहा है ट्रेंड। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि कुत्तों में सूंघने की जबरदस्त क्षमता होती है और शायद इसी वजह से क्राइम सीन हो या फिर ड्रग्स का पता लगाना हो इसके लिए कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी पूरी दुनिया में कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना के बीच ही दुनिया में फिर से आवाजाही शुरू हो चुकी है। ऐसे में कुत्तों का इस्तेमाल अब कोरोना का पता लगाने में करने की तैयारी हो रही है। अब सवाल उठता है कि क्या कुत्तों का इस्तेमाल कोरोना के मामले में हो सकता है? अगर हाँ तो कैसे? वैज्ञानिक खास तौर पर कीट विज्ञानी इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इंसान का वफादार समझा जाने वाला ये जीव इस बार भी बहुत काम आने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूंघने की क्षमता इंसान से 10,000 गुना ज्यादा होने के कारण कुत्तों को ट्रेंड किया जा सकता है कि वो कोरोना वायरस का अंदाजा दे। फिनलैंड में तो बकायदा कोरोना वायरस की पहचान के लिए कुत्तों को ट्रेनिंग दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत उन्हें एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। इस काम के लिए 15 कुत्ते और 10 इंस्ट्रक्टर्स की सेवाएं ली जा रही हैं। हेलसिंकी वंता एयरपोर्ट पर पिछले महीने कुत्तों ने यात्रियों को सूंघ कर संक्रमण का पता लगाना शुरू भी कर दिया है। दरअसल वैज्ञानिक शोध में सामान्य टेस्टिंग की तुलना में कुत्तों के प्रभाव का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हेलसिंकी से उड़ने वाले यात्रियों को कोरोना के संदिग्ध मामले की जांच कराने की सलाह दी गई थी, लेकिन संक्रमण की पुष्टि के लिए स्वैब टेस्ट के नतीजे ही मान्य किए गए थे। कोरोना संक्रमण की जांच में लगे कुत्ते और इंस्ट्रक्टर को वॉलंटियर की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके पीछे निजी मवेशी क्लिनिक की पहल है। अगर ये तरकीब कामयाब हुई तो स्कूलों, एयरपोर्ट्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना के चौकीदार के तौर पर कुत्ते तैनात किए जा सकते हैं। खबरों की माने तो ऐसी एक स्टडी अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में भी चल रही है। कुत्तों में सूंघने की शक्ति इंसानों से 10,000 ज्यादा गुना। दुनिया भर में 11,50,000 से ज्यादा जाने ले चुके कोरोना वायरस के खिलाफ वैज्ञानिक गंध के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। असल में जब कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त होता है तो अपने शरीर से बीमारी के अंतर से एक अलग अलग किस्म की गंध पैदा करता है। पहले भी मलेरिया, संक्रामक बैक्टीरिया और कुछ किस्मों के कैंसर के मामलों में एयरबॉर्न केमिकल्स को पहचानने में कुत्तों को सक्षम पाया जा चुका है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के विशेषज्ञ इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टडीज में सकारात्मक नतीजे पाए जा चुके हैं। फिनलैंड में तो कुत्तों को इस काम में लगा भी दिया गया है। वहां पर संक्रमण की पहचान के काम में लगा स्पेन से रेस्क्यू किया हुआ कोजी नाम का एक कुत्ता भी है। उसे फिनलैंड में स्निफर डॉग के तौर पर प्रशिक्षित किया गया था। इससे पहले उसकी सेवा कैंसर का पता लगाने में ली गई है। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेम जोकरमैन कहते हैं, जो कुछ हमने अपने शोध में पाया है उसके मुताबिक कुत्ते मरीज के किसी क्लिनिकल लक्षण से 5 दिन पहले बीमारी का पता लगा लेंगे। ये प्रोफेसर जानवरों के लिए शोध में दक्षता रखते हैं। उन्होंने बताया कि कुत्ते इस काम में बहुत अच्छे हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य की लार और मूत्र के नमूनों को सूंघ कर कोविड-19 बीमारी का पता लगाने के लिए कुत्तों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विभाग के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार ट्रेनिंग प्रोग्राम में गंध पहचानने की क्षमता वाले कुत्तों का प्रयोग ये पता करने के लिए किया जाएगा कि कैसे नमूने कोविड-19 बीमारी से ग्रसित मरीजों के हैं और कौन से नहीं। अनुसंधानकर्ताओं ने एक बयान में कहा कि कुत्तों में 30 करोड़ कोशिकाएं होती हैं, जबकि मनुष्य में केवल 60 लाख। इसलिए बीमारी का पता लगाने में कुत्ते विशेष रूप से सहायक हो सकते हैं। इस अध्ययन के जरिए कुत्तों की सहायता से उन लोगों में कोविड-19 का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा जिनमें इस बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार सूंघ कर कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम कुत्तों का इस्तेमाल अस्पताल या व्यवसायिक इमारतों में किया जा सकेगा जहां बीमारी की जांच करना चुनौतीपूर्ण होता है। क्या कुत्ते केवल सूंघ कर दे पाएंगे सही नतीजे? दोस्तों कोरोना का पता लगाने के लिए कुत्तों के इस्तेमाल की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में है। हालांकि कुछ सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, जैसे कोरोना की कितनी स्ट्रॉन्ग गंध कुत्ते पहचान सकते हैं, क्या वो एयरपोर्ट जितनी भीड़ में हर व्यक्ति की गंध को भांप सकते हैं, क्या वो परफ्यूम या सेंट की गंध और पसीने की गंध को अलग अलग पहचान सकते हैं। टाइम की रिपोर्ट की माने तो अभी नहीं पता कि कोविड-19 संक्रमण किस स्तर तक होने पर कुत्तों को पहचानने लायक गंध मिल सकती है। हालांकि स्टडीज कह रही हैं कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को पहचानने के लिए कुत्तों की क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी सवाल अभी खड़ा हुआ है कि कोविड-19 के वायरस के अलावा ये ट्रेंड कुत्ते कहीं किसी और तरह के वायरल इन्फेक्शन को भी तो डिटेक्ट नहीं कर रहे।
इन तमाम चुनौतियों के बावजूद शोधकर्ताओं को इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि दुनिया भर में इस तरह के स्टडीज में काफी सकारात्मक परिणाम मिले हैं और पुख्ता नतीजे मिलते ही उम्मीद है कि 6 महीने के भीतर दुनिया में ट्रेंड कुत्ते कोविड स्कैनर के तौर पर तैनात मिलेंगे। अगर ये तरकीब वाकई में कारगर सिद्ध हुई तो इससे कुछ बड़े फायदे संभव है। एक तो एंटीजन टेस्ट में नाक के जरिए नली डालकर स्वैब नमूना लेने में मरीजों को तकलीफ होती है, यह हेल्थ स्टाफ के लिए भी जोखिम भरा होता है और फिर रिजल्ट आने में समय भी लगता है। दूसरी तरफ हर सार्वजनिक स्थान पर टेस्टिंग सुविधा मुहैया कराना भी एक चुनौती रही है। ऐसे में अगर कुत्ते बगैर स्वैब नमूनों के रोगियों को पहचान लेते हैं तो ये बहुत बड़ी राहत हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कुत्तों के लिए खेल की तरह है। मिसाल के तौर पर एक स्टडी में शोधकर्ताओं ने डिटेक्शन डॉग ट्रेनिंग सिस्टम डिवाइस का इस्तेमाल किया। इसमें अलग अलग नमूनों के बीच में रेंडमली एक कोविड पॉजिटिव सैंपल रखा गया और सही पहचानने पर कुत्तों को पुरस्कार के तौर पर भोजन दिया गया, तो कुत्तों ने बहुत कम समय में इस तरह ट्रेंड होने में दिलचस्पी दिखाई। फिलहाल अगर ये रिसर्च सही साबित हुई तो आने वाले समय में सार्वजनिक जगहों पर हीट टेम्परेचर वाली मशीनों की जगह सूंघकर पता लगाने वाली ये कुत्ते ही तैनात दिखेंगे।